नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोगोटा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जोगोटा पॉल साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रांस फैनन की प्रमुख रचनाओं की। तो देख लीजिए फ्रांस फैनन की प्रमुख रचनाएं। नंबर एक पे जो इनकी रचना रही है वो है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, जो इनके द्वारा 1952 में लिखी गई। उसके बाद नंबर दूसरे पे ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, जो इनके द्वारा 1959 में लिखी गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई वो थी द रिचेट ऑफ अर्थ, 1961 में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद नंबर चौथे पे इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो थी टू वार्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन, ये 1964 में इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई वो थी एलिनेशन एंड फ्रीडम, 1961 में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद नंबर छठवें पे इनकी जो पुस्तक थी वो थी द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। धन्यवाद।